हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है उन बच्चों से जिन्होंने ऑलरेडी अपना जो मास्टर डिग्री वो कम्प्लीट कर लिया और वो लोग जो अभी तक जो है PhD में इनरोल नहीं हो पाए हैं, तो ये उनके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, मैं डिस्कस करूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में जो PhD की पोजीशन है उसे निकाला गया है, तो आप जो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया PhD के लिए वो है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए, जो PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए और ये नोटिफिकेशन आया है 17 नवंबर को आया है। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो है एप्लीकेशन मांगे गए। तो मैं बात करता हूँ कैटेगरी 1 जो कि लाइफ साइंसेस थे। तो यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ द फैकल्टी और मेंशन किया जा रखा है, तो आप जो है, और साथ ही साथ उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो भी यहाँ पे मेंशन किया रखा है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर संतोष चौहान, इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये सेल बायोलॉजी ऑफ कैंसर एंड इन्फेक्टियस डिजीज का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नेम ऑफ द फैकल्टी मेंशन किया है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन कर रखा है। तो आपको जिस भी एरिया में इंटरेस्ट हो, आप उनके आप जो है उन फैकल्टी का नाम देख सकते हैं कि इस, अगर सपोज बात करें आपको प्लास्मोडियम बायोलॉजी एंड वेक्टर पैरासाइट इंटरेक्शन में आपको इंटरेस्ट है, तो आप जो है डॉक्टर अरुण नागराज को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस वे में जो है आपको जिस भी एरिया में है इंटरेस्ट है, आप उसके थ्रू जो है अपना PhD गाइड भी चुन सकते हैं। आप बात कर लेते हैं सेंसर क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका MSc, MTech, M Pharma, MBSc होना चाहिए विद 60% जो है आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है CSI, UGC, GRF और DBT GRF और UGC, RGNF और ICMR, GLF और DST इंस्पायर, तो यहाँ पे जो है आपका खुद का फेलोशिप होना चाहिए, तभी जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एज होनी चाहिए वो 28 ईयर्स से कम होनी चाहिए एज पर 31 दिसंबर 2020। वहीं आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या वुमेन है या PhD कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, इसमें जो कैटेगरी 2 है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, तो कैटेगरी 1 यहाँ पे मेंशन कर रखा है लाइफ साइंसेस के लिए और जो कैटेगरी 2 है ये आपकी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोफेसर जो हैं वो काम करते हैं, एक अंशुमन दीक्षित और एक अमरेश CH पांडा। तो इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो है इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक गाइड को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, अगर हम बात करें सेंसर क्वालिफिकेशन की, तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ बता दिया कि आपका MSc, MTech, M Pharma या MBSc होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पे आपका खुद का आपका फेलोशिप होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने मेंशन कर रखी वो है 500 रुपीज़, और ये जो 500 रुपीज़ हैं इट इज़ नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो बेनिफिशियरी नेम पूरा अकाउंट नंबर दे रखा है, तो आपको डायरेक्टली जो है फ़ी पे करना है 500 रुपीज़, जो कि एप्लीकेशन फ़ी है। अब देखिए, बात करते हैं फेलोशिप की, तो यहाँ पे देखिए, द फेलोशिप एंड अदर एमोलमेंट विल बी एज पर द गाइडलाइन ऑफ द फंडिंग एजेंसी सर्व DST, DBT, CSI। तो यहाँ पे आपका जो भी फेलोशिप है, चाहे आपका CSIR हो, चाहे SMR हो, चाहे DBT हो, तो आप जो हैं उनसे डायरेक्टली जो भी उनका क्राइटेरिया है फेलोशिप देने का, उसी के बेस पे जो है आपको यहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू की, देखिए तो अगर आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट किया जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपको यहाँ पे जो है टू एंड फ्रो बस और रेल फेयर बाय द शॉर्टेज रूट जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है रेल फेयर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और साथ ही साथ जो है आपको स्कैन कॉपी अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का और जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ी का, जो आपने प्रूफ दिया है 500 रुपीज़ का, वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको सेंड कर देना है एज 1 PDF डॉक्यूमेंट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो इसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सारा जो है आपको सेंड कर देना है और एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है आपको अपने सब्जेक्ट में मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम। ठीक है, और आपको कैटेगरी भी मेंशन करना है, वेदर इट इज कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी दे रखी है, 1 जो है वो लाइफ साइंस है, 2 जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना स्कैन कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी आपके नेट गेट का सॉरी जो भी आपके GRF का प्रूफ है वो सारा जो है आपको सेंड करना है academy@ils.rgs.in, और आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम स्टेटिंग कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप जो है देख सकते हैं। तो देखिए, आप बात करते हैं इंटरव्यू की, तो आपका जो अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जो इंटरव्यू की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ils.rgs.in पर। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपका डिस्कस किए। अब देख लेते कोई इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने को 31 दिसंबर 2020 है, और जो शॉर्ट लिस्ट है कैंडिडेट की जो लिस्ट लगेगी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो रहेगी 10 जनवरी 2021, और जो टेंटेटिव डेट रहेगी इंटरव्यू को वो रहेगी इट विल बी सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी 2021। ठीक है, तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपके यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए या आपको किसी कोई भी डाउट है इस एप्लीकेशन रिलेटेड, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।